मज़ेदार सॉफ्ट और हेल्दी। जी वीवर्स, जी है यूनियन कॉफ़ी, ये है जी यूनियन कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फारूक डोगर, अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कुकिंग विद हबीबा में आज मैं एक शॉर्ट सी वीडियो लेकर आया हूँ। आज वीकेंड है इधर मलेशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो अभी मैं यहाँ पर लंच प्लस ब्रंच, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, वो करने आया हूँ। उसके लिए मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट तलाश कर रहा हूँ जहाँ पर हम अपना फूड इंजॉय कर सकें। देखते हैं जी, अभी हमारा रेस्टोरेंट मिलता है या किसी और जगह जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने साथ में कॉफ़ी या चाय भी ले ली है। उसी हिसाब से कोई सर्च करते हैं, कोई नज़र आ जाए। रेस्टोरेंट्स यहाँ बहुत से बने हुए हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से अपने लिए कोई ऐसा मुंतखब करना है जो सही हो, हम इंजॉय कर सकें। या फिर ऐसे किया जा सकता है कि खाना किसी एक जगह खा लिया जाए, कॉफ़ी या चाय किसी और जगह। मैं भी देखता हूँ, अभी सर्च करते हैं जी रेस्टोरेंट, जैसे ही रेस्टोरेंट मिलता है तो मैं आपको आकर मिलता हूँ। ये है जी मलेशिया की फेमस फ्रूट शॉप। ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट स्टाइल के फ्रूट्स हैं, ये मसाला का फ्रूट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये अमरूद है, ये नाशपाती है, ये अनानास है, ये ग्रीन एप्पल है, अंगूर है, ये रेड एप्पल है, ये माल्टा है, स्ट्रॉबेरी है, ये कीवी है, और ये मलेशियन फूड है, फ्रूट है। ये भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नूडल्स, सुशी, चाइनीज स्टाइल और मलेशियन स्टाइल के फूड है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट देखना चाह रहा हूँ। और ये हमारे सामने है जी यूनियन कॉफ़ी। इसके केक्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं और कॉफ़ी तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। यूनियन का स्टार लगा हुआ है, यूनियन कॉफ़ी का। एक अच्छी चॉइस है। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। तो अभी हम एंटर होते हैं यहाँ पर। अपने लिए डिफरेंट स्टाइल की कुछ चीज़ें लेते हैं। तो ये इनकी कॉफ़ीज़ हैं और ये हैं जी केक्स, ब्राउनीज एंड केक्स। चलिए जी मैं ज़रा अपना ऑर्डर दे दूँ आपसे। जी व्यूअर्स, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ यूनियन कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी आ गई है। अभी मेरा केक और साथ में मैंने एक और चीज़ ली, वो अभी आ गई है। ऐसे ही आती है, ये आ गया जी मेरा केक, केक आ गया। और साथ में मेरा एक अभी कफ रहता है, वो जैसे ही आता है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ खाना और आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये देखिए ये है जी केक, बहुत ही
मज़ेदार, सॉफ्ट और हेल्दी। ये देखिए, तो अभी हमारा कोरेसेंट आते हैं तो वो भी आपको चेक करवा। जी व्यूअर्स, ये मेरा कोरेसेंट आता है, आ गया है साथ में। इसके साथ ये है जी बटर, बटर है और ये भी बड़ा गर्म है, तो ये मैं भी इंजॉय करूँगा अपनी कॉफ़ी के साथ। ये बड़ा अच्छा ब्रंच है, हेल्दी। ये केक है, ये मैंने आधा खा लिया है। और ये है जी मेरा बटर कोरेसेंट, और ये है जी मेरी लाते कैरेमल कॉफ़ी। मैं जी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ। जी व्यूवर्स, मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश कर ली है, साथ में मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्लस ब्रंच भी फिनिश कर लिया है। बहुत ही लजीज था, ज़बरदस्त था और बड़ा मज़ा आया खाने का, तो ये तो बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग मलेशिया रहते हैं वो जब भी सितिया सिटी मॉल में आए, तो ये सेंटर कोर्ट में है, यूनियन कॉफ़ी, ठीक है जी। तो आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करूंगा, क्योंकि आज ही मैंने इतना शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल की सपोर्ट के लिए कुकिंग विद हबीबा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी अच्छी बेहतरीन लोकेशन और अच्छे फूड के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये है यूनियन कॉफ़ी, ये है जी यूनियन कॉफ़ी, जिधर आज मैंने कॉफ़ी पीनी है और साथ में कुछ ब्रंच करना है।